हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर टू, ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर थ्री नेम्ड एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द एल्गोरिथम। सो लेट अस स्टार्ट एल्गोरिथम। एवरी प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टार्ट्स विद अ प्लान। किसी भी समस्या या कोई भी जो सारी जो जितनी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स होती हैं उनके उनका सोल्यूशन हम कोई योजना बनाकर ही करते हैं। तो प्रत्येक समस्या जो होती है वो उसका जो हल होता है वो किसी योजना से ही शुरू होता है। दिस प्लान कैन बी कंसीडर्ड एज एन एल्गोरिथम, और इसी प्लान को हम एल्गोरिथम से जानते हैं। देयर फोर एन एल्गोरिथम प्रोनाउंस्ड एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, इसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं, इज अ प्रोसीजर और अ फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये एक प्रोसीजर है या फॉर्म या फिर प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया है या फॉर्मूला है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बेस्ड ऑन अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शन स्टेप्स, ठीक है, और ये बेस होता है स्पेसिफाइड एक्शंस या स्टेप्स पे, ठीक है, जो सीक्वेंस में होते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको कोई प्रैक्टिकल कराती हूँ तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सब बताती हूँ ना कि कैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे और कैसे उसमें आप कैसे स्टेप्स सारे करेंगे किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। तो देन एन एल्गोरिथम कैन बी अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है, एक एल्गोरिथम एक सिंपल प्रोसेस है, साधारण प्रक्रिया है, सच एज मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, जैसे कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, ठीक है, या फिर हम कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन मिश्रित ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें कि क्या इंक्लूड होगा, सच एज प्लेइंग अ कंप्रेस्ड वीडियो फाइल, जैसे कि हम किसी कंप्रेस्ड यानी कि जो थोड़ी छोटी वीडियो होती है उसे हम प्ले करते हैं। सर्च इंजन्स यूज प्रोप्रिटरी एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट्स फ्रॉम देयर सर्च इंडेक्स फॉर स्पेसिफिक क्वेरीज, ठीक है, जैसे कि हम सर्च इंजन्स जैसे कि हमारा गूगल है, क्रोम है, ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी अगर टॉपिक डालते हैं सर्च करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सर्च इंजन होता है अगर हम इसमें टॉपिक डालते हैं तो सर्च इंजन क्या करता है एज अ एल्गोरिथम यानी स्टेप बाय स्टेप हमारे रिजल्ट्स को जो मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट्स होते हैं उनको वो सर्च इंडेक्स में शो कर देता है या डिस्प्ले कर देता है, ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक क्वेरीज, जो भी हम स्पेसिफिक क्वेरीज हम सर्च करते हैं या प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं वो सर्च इंजन अपने बॉक्स में इंडेक्स में डिस्प्ले कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। इन अ सिंपल वे स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप लिख कर या स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम। ओके, आई होप कि आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द एल्गोरिथम।